मोहम्मद रिजवान जो कि दुनिया क्रिकेट में अव्वल दर्जे के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, क्या ये शुरू से ही ऐसे कामयाब क्रिकेटर थे? जी नहीं। मोहम्मद रिजवान ने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया। डेब्यू के बाद से ही उनकी परफॉर्मेंसेस इनकंसिस्टेंट रही। पाकिस्तान टीम में वो इन एंड आउट होते रहे और वो मीम मटेरियल बन गए। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आती थी। वो कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर हुआ करते थे। PSL में भी कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे और वो हर मैच में ही परफॉर्म किए बगैर आउट हो जाते थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने हिम्मत हारे बगैर अपना हौसला बुलंद रखा और मेहनत जारी रखी। लेकिन अब लोगों की ट्रोलिंग हेट में बदल चुकी थी और मिसबाह उल हक हर मैच में रिजवान को मौका जरूर देते थे, जिसकी वजह से रिजवान के साथ साथ मिसबाह उल हक भी तनकीद का निशाना बनते रहे। लेकिन मिसबाह उल हक अपने फैसले पर हमेशा कायम रहे और रिजवान ने मेहनत करना जारी रखी। आखिरकार साल 2020 आ ही गया था। रिजवान अभी भी मुख्तलिफ लोगों के लिए एक मीम मटेरियल ही थे। और तो और मिसबाह उल हक ने अब रिजवान से ओपनिंग करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम गुस्से से पागल हो चुकी थी। इसी साल में पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज भी थी और मिसबाह ने डिसीजन लिया कि रिजवान से इस बार T20 क्रिकेट में ओपनिंग कराएंगे। रिजवान हमेशा की तरह पहले और दूसरे T20 में भी फेल हो गए। अब बारी आई पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड थर्ड T20 गेम की, जिसे खेलने से पहले रिजवान ने अपने जिगरी यार इफ्तखार से कहा था कि अगर मैं इस मैच में फेल हुआ तो ये मेरे करियर का आखिरी मैच होगा। रिजवान मैदान में आए, उन्होंने देखा और उन्होंने मैदान फतह कर लिया। रिजवान को रोकना उस दिन मुश्किल नहीं नामुमकिन था और ये रिजवान के करियर की सबसे बेस्ट इनिंग थी। रिजवान 89 रन स्कोर करके आउट हुए। उसके बाद इफ्तिखार ने जोरदार छक्का लगा के मैच फिनिश किया। पाकिस्तान ने ये मैच 4 विकेटों से जीता। रिजवान ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेस्ट, ODI, T20 रिजवान ने हर जगह पर परफॉर्म किया और अपने नाकिदीन का मुंह हमेशा बंद करते रहे। और अब उन्होंने अपने हेटर्स को अपने फैंस में तब्दील कर दिया था। मोहम्मद रिजवान PSL में मुल्तान सुल्तान की तरफ से कैप्टन बने थे और उन्होंने मुल्तान सुल्तान को अपना पहला PSL टाइटल जितवाया। रिजवान ने 2021 के साल में T20 क्रिकेट में इतने रन स्कोर किए कि जितने आज तक कोई ना कर सका। रिजवान ने 2021 में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, जिनमें सबसे बड़ा कारनामा बाबर का साथ देकर इंडिया को वर्ल्ड कप में शिकस्त देना था, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली ऐसी टीम थी जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप्स में शिकस्त दी थी। दूसरा, मोहम्मद रिजवान अपनी परफॉर्मेंसेस से टीम को सेमीफाइनल्स तक ले गए और सेमीफाइनल में उन्होंने ICU से उठकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला और उसमें परफॉर्म भी किया। मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई और मोहम्मद रिजवान हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। साल 2022 स्टार्ट हुआ लेकिन मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस वैसे की वैसे रही। मोहम्मद रिजवान T20, ODI और टेस्ट में वैसा ही परफॉर्म करते रहे और विकेट कीपिंग इनसे बेहतर विकेट कीपर शायद ही कोई हो मौजूदा दौर में। सारा सफ़र आपके सामने है कि मोहम्मद रिजवान ने कैसे एक साल में ट्रोल मटेरियल से वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन का सफ़र तय किया। हम फैंस दुआ, उम्मीद और तवक्को करते हैं कि रिजवान ऐसे ही मेहनत करते रहें, लगन के साथ खेलते रहें और पाकिस्तान को मैचेस जिताते रहें और जहां भी ये कदम रखें पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही वापस आएं। वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि मुझे पता है सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अगर आप भी अपने फेवरेट प्लेयर्स की सक्सेस स्टोरीज की डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताओ यार, ताकि हम लोग आपको आपकी मर्जी का कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।